जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। मिथुन राशि वालों, रविवार का दिन 12 फरवरी फागुन माह किस पक्ष की षष्ठी तिथि, वृद्धि योग स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है जो आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, और पंचम भाव में केतु चंद्रमा की युक्ति है। लाभ स्थान में जब राहु का गोचर होता है तो राहु आपके जीवन में सुख धन बढ़ाता है, राहु के प्रभाव से ही सफलता मिलती है, राहु आपके जीवन में परिवर्तन भी करता है, आपके लिए अचानक खुशी सुख और भाग्य का साथ सब कुछ राहु से प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में राहु शुक्र का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, बृहस्पति शनि की दृष्टि है। राहु के प्रभाव से नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, राहु के प्रभाव से आप आगे बढ़ेंगे, राहु के प्रभाव से ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी और राहु ही आपकी सोए हुए नसीब को भी जगाएगा। आज ये मिथुन राशि वालों की कुंडली में लाभ स्थान में राहु का गोचर है, जबकि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में मंगल बैठा है, पंचम भाव में केतु के साथ चंद्रमा का गोचर है, अष्टम भाव में सूर्य बुध की युक्ति है, भाग्य स्थान में शनि शुक्र का प्रभाव है और कर्म स्थान में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति जब कर्म स्थान में गोचर करता है तब आपके हाथों से शुभ काम होता है। जब आपके भाग्य स्थान में शनि शुक्र का गोचर होता है तो अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य को चमकाते हैं। पंचम भाव में जब केतु का गोचर होता है तो परिवार की स्थिति अच्छी होती है, और लाभ स्थान में बैठा राहु आपको धन समृद्धि से परिपूर्ण करेगा, आपके लिए सफलता का सौभाग्य देगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। समय आपके लिए शुभ है, लाभ धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका चमकेगा। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी बुध, तो स्वाति नक्षत्र का राहु आपके लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आया है। आज आपकी कुंडली में राहु के प्रभाव से आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। राहु इस समय अश्वनी नक्षत्र में बुध के प्रभाव से प्रभावित है और बुध आपके लिए सौभाग्य धन और सफलता का योग बना रहा है। कर्म स्थान में बैठा बृहस्पति और भाग्य स्थान में बैठा शनि शुक्र आपको सुख दे रहा है, धन का लाभ, आमदनी की वृद्धि और भाग्य का साथ। आज राहु काल शाम 4:45 से 6:09 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, लक्की नंबर 6 होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:19, रवि योग 7:02, विजय मुहूर्त 2:27, अमृत काल शाम 5:22 आपके लिए शुभ है, और त्रिपुष्कर योग में आज राहु आपके भाग्य को प्रबलता देगा, जीवन में तरक्की देगा, सुख सौभाग्य का योग है, तब आपके जीवन में बड़े लाभ और आपके जीवन में समृद्धि और सुख, आपके इरादे बुलंद होंगे, ज्यादा तरक्की होगा, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी और आज नौकरी बिजनेस अच्छा चलेगा, सुख फलों की प्राप्ति होगी। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए दिन शुभ है, तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही किसी शुभ काम की शुरुआत करें, आपके लिए समय बड़ा भाग्यशाली है। जय श्री राम, जय हनुमान।